हे भाई, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन लिमिटलेस इंडियन। मैं आपका भाई जसप्रीत और एक और बढ़िया सी और मस्त सी वीडियो लेकर हाजिर हूँ भाई आप सभी के लिए। और आज भाई ट्रक को कर दिया पार्क, बिल्कुल चलने के लिए तैयार पर तैयार है भाई। लोड उठाया हमने यहाँ से नहीं, लोड हमने उठाया उस बिल्डिंग से जहाँ पे अगर आप देख सकते हो येलो ट्रक, वहाँ से लोड उठाकर कल रात को यहीं पे सो गए थे। और अब भाई यहाँ से चलने की बारी आ चुकी है कैलिफोर्निया शहर के अंदर। और भाई चलने से पहले कॉफ़ी पियेंगे, कुकर की कॉफ़ी मैंने यहाँ पर रख रखी है, इंस्टेंट कॉफ़ी है। उससे पहले भाई ब्रेकफास्ट भी बनाना है तो ट्रक को कर लेंगे स्टार्ट। ये भाई तुम्हारे भाई ने ना नई आइटम खरीदी है भाई, चेक इट आउट। भाई ये कुकर भी है, एयर फ्रायर भी है, ठीक है, इसमें जो मर्जी कुछ बुलाई जाओ, खुला डुल्ला है। और सुबह का टाइम है भाई, और सुबह के टाइम तो ऑब्वियसली बात है भाई ब्रेकफास्ट बनेगा, और ब्रेकफास्ट बनेगा तो मुझ में बटेगा, दैट्स इट। और भाई ब्रेकफास्ट का सामान थोड़ा सा रेडी है, हमने ना उबले हुए आलू और प्याज इनको रख लिया रेडी करके, थोड़े से टमाटर काट लिए इसी बॉक्स में, हम अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने वाले हैं। तो भाई इन सारे आलुओं को इसके अंदर डाल देंगे, और थोड़ा सा हमारे को चाहिए होगा ऑयल। सो गाइस पोटैटोस और अनियंस आ चुके हैं, ये नीचे से भी कुक करता है और यहाँ पे भी इसका भाई एक इंडक्शन लगा हुआ है, यहाँ से भी कुक करता है। तो सबसे पहले अभी हम इसको ना नीचे से सेर एंड सौते को ऑन कर देंगे, ठीक है भाई, ताकि ये नीचे से ऑन हो जाए और गर्म होना शुरू हो जाए। और भाई थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल लगा देंगे ताकि जब हम इसे ऊपर से बंद करें या नीचे से ना ये थोड़ा सा फ्राइड पोटैटोस की तरह बन जाए। थोड़ा सा चिकन मसाला, ये भाई गोरो वाली आइटम है, इसको ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। सो गाइस जब तक कुकर हो रहा गरम, तब तक भाई माइक्रोवेव के अंदर बना लेते हैं कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी बनाएंगे, सिंपल ब्लैक कॉफ़ी। के बाद चम्मच लो, अरे भाई ध्यान से, और इसके अंदर डाल दो, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा प्योरीफाइड वाटर। हाँ जी भाई, वो कॉफ़ी बन के रेडी हो चुकी है, फटाफट डाल देंगे इसको इसकी स्लीव के अंदर। चल भाई चल, ज़्यादा प्लेयर मत ना बन अब। ये भाई साहब हमारी कॉफ़ी और कॉफ़ी का मग हो गया रेडी। अब इसको रख देंगे साइड पे और ट्रक को कर देंगे बंद। अब तुम कहोगे ट्रक को बंद क्यों कर दोगे भाई, क्योंकि हमारे पास इन्वर्टर भी लगा हुआ है, जनरेटर भी लगा हुआ है ट्रक के अंदर, तो इसको कर देंगे ऑन। अभी देखना पीछे से आवाज़ें आएंगी, इस जगह से जनरेटर ऑन हो जाएगा। रैपिड कुकर अपना काम बढ़िया कर रहा है, देख रहे हो धुएँ निकल रहा है, धुएँ देख लें एक बारी। ओ ये क्या था भाई, ऑमलेट भी बन के रेडी हो चुकी है। सब अंडों के अंदर डाल देंगे ऑमलेट, ठीक है जी, काम करेंगे इस तरीके से, उठा लेंगे और ऐसे करके, ओ भाई ये डाल देंगे भाई एक एक करके, एक एक करछी के टाइप से, है ना। सो भाई बहुत टेस्टी बनता है इसके अंदर, अब पेपर जैक चीज़ भी है ना उस करके, थोड़ा सा लिक्विड ही लग रहा है क्योंकि चीज़ डाली आज हमने। नॉर्मली मैं चीज़ नहीं डालता, मैंने कहा भाई आज थोड़ा सा ना हैवी खाते हैं, छुट्टी का दिन है, मतलब चलना तो हमें है पर एक तरीके से आज लेट है ना, लेट स्टार्ट कर रहे हैं। सो भैया इसके बाद आएगी लास्ट आइटम इसके। सो गाइस अवाकाडो मैंने डाल दिया बढ़िया कट करके ऊपर से, ये तीसरी लेयर अवाकाडो की आ चुकी है, थोड़ा सा मसाला डाल दिया ऊपर से। सब कुछ हमने अपने ट्रक के अंदर, हमारे अपने एयर फ्रायर और कुकर के अंदर बनाया भाई। अब इसको करेंगे इंजॉय, साथ में देखेंगे थोड़ी सी मूवी और सारा कुछ साफ सुफ करके मिलते हैं आपको दफ्तर में, और फिर चलेंगे यहाँ से गाइस। तो बने रहो भाई के साथ, अब यहाँ से मार देंगे राइट। यहाँ से लोड उठाया था भाई हमने, और यहीं पे डेरे लगा लिए थे हमने तो एक दिन पूरा चिल मारने के बाद, तो यहाँ से निकल रहे हैं। हमने क्या करना है भाई, ठीक है जी, अब यहाँ से लेना लेफ्ट, सही है जी, कैलिफोर्निया इंडिकेटर दे के रखेंगे। वो भाई तो सीधा जा रहा है, हम भी सीधे ना चल लें, हम भी सीधे चल लेते हैं, आगे से ले लेंगे लेफ्ट क्योंकि जाना सीधा ही है। उसके बाद 60 नंबर हाईवे है, वहाँ से शायद हमने राइट लेना है। हाँ ठीक है जी, चलो पिछली लेन में रहेंगे, इस साइड कोई है नहीं, फुल स्टॉप मारते हैं, उसका खींच लेते हैं, क्या दिक्कत है, छुट्टी होने का ही फायदा है भाई।
ये पूरा चढ़ा के तुम्हारे भाई ने प्रोफेशनली लिया मोड़ है। करो बात है। प्रोफेशनली से याद आया भाई, एक बार की बात है, मैंने एक ट्रक वाले की हेल्प करने लगा ना, मैं कहा यार ये थोड़ी टाइट है बैग, तो कहता फिर क्या हुआ, मैं भी प्रोफेशनल हूँ। मैं कहा भैंस की पूछो साले, एक तो तेरी मैं हेल्प कर रहा हूँ, फिर जब बैग नहीं हुआ फिर कहता भाई कैन यू प्लीज चेक माई मिरर ऑन माई ब्लाइंड साइड। मैं कहा ओके ब्रो नो इश्यूज, मैं कहा नाउ यू नीड हेल्प बिच। तो गाइस कैलिफोर्निया का मौसम बहुत ही बढ़िया है, पहाड़ से शुरू हो गए हैं भाई, थोड़ा सा अपहिल जाएंगे। अब मैं मारूंगा उतार के, ओ ये सबसे मेरे को यार लंडू लगते हैं बंदे, जो ना बिल्कुल ट्रक के सामने से एंटर हो जाते हैं। देखना अब धीरे हो गया भाई, अगर ये रेस्ट एरिया पे जा रहा ना, मैं भी रेस्ट एरिया पे जा रहा हूँ और इसे मिलना है भाई, ठीक है ना। मैं तो वैसे भी जा ही रहा हूँ रेस्ट एरिया। पर इसकी हो जाएगी देखना सिट्टी बिट्टी गुल जब मैं एग्जिट निकालूंगा। तो भाई वो थोड़े थोड़े हल्के हल्के पहाड़ शुरू हो गए हैं, मैं कहा यार इस रेस्ट एरिया पे रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं 20-25 मिनट का, क्योंकि भाई आप टाइम बहुत है अपने पास ना यार, क्या ही बताऊं। और ये जो स्किड या जो पैलेट हमने फीनिक्स में उतारना ना, इसकी स्टोरी भी आपके साथ कल शेयर करूंगा, जब ड्रॉप करूंगा ना वहाँ पे तब बताऊंगा आपको कि भाई भाई के साथ कांड हुआ तो हुआ क्या। तो भाई एग्जिट आ गया, एग्जिट ना लियो वाइट कार, ले लो एग्जिट। नहीं लिया भाई उसने एग्जिट, हम एग्जिट ले लेंगे भाई। बड़ा स्केची सा लगा लो है ना, या बड़ा जंगल टाइप्स रेस्ट एरिया है, ये कुछ भी नहीं है इस पे। देखते हैं भाई, पर ये फिर भी देख लो पार्किंग प्रॉपर बना रखी है, लाइंस प्रॉपर खींच रखी है ना, डिवाइडेड पार्किंग बना रखी है प्रॉपर। तो गाइस ये आरवी वाले घूम रहे हैं यहाँ पे, इनकी परली साइड हम लगा देंगे अपनी गाड़ी को या अपने ट्रक को, इधर लगाते हैं, ये सबसे बेस्ट जगह है। चलो भाई साहब इस रेस्ट एरिया पे एक तो गर्मी बहुत है, कैलिफोर्निया में जहाँ पर मैं रुका था वहाँ पर भाई समुंदर था पास है ना, तो इस करके इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है भाई। ये हमारे इंडिया वाला प्लांट है भाई, किक्कर कहते हैं जिसको, हम शायद उसी की वाइप पे काटे हैं इसके ऊपर, देख लो भाई। बचो भाई बचो जितना बच सकते हो। तो भाई ये हमने अपना ट्रक कर दिया पार्क, ठीक है जी। तो ये पार्किंग स्पॉट है यहाँ पे भाई साहब, ये रेस्ट एरिया है, नॉर्मली रेस्ट एरिया हमारा बहुत हरा भरा होता है जब हम कनाडा में होते हैं, पर यहाँ पर देख रहे हो आप भाई, यहाँ बिच्छू हो सकते हैं, यहाँ मैं ना ही जाऊँ, क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम एक व्लॉग में मैं देखा होगा ना, यही स्टेट थी, बिच्छू और सांप सपोले बहुत होते हैं यहाँ पे। तो गाइस ये रेस्ट एरिया है, दिखने में तो बढ़िया लग रहा है भाई, पर यह गर्मी इतनी है ना, पूरी हीट चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे भाई देखो पूरी शांति शांति है, मैं तो कहूँगा भाई यहाँ पे रेस्ट रूम्स है, मतलब जैसे गांव में नहीं बना रखा था कि गांव में छोटा सा रेस्ट एरिया है, पर फिर भी भाई जहाँ मर्जी चले जाओ वेंडिंग मशीन तो रेस्ट एरिया पे होती हैं, तो उस साइड चलेंगे भाई। यहाँ पे इन्होंने पेट एक्सरसाइज एरिया बना रखा है भाई, कुत्तों को खुला छोड़ना हो छोड़ सकते हो तुम, यहाँ पे इन्होंने रेस्ट एरिया के रूल्स लिखे हुए हैं। ये कैसे रूल है भाई। तो भाई ये रेस्ट एरिया बिल्कुल खाली उजाड़ सा लग रहा है, पर फिर भी काफ़ी लोग हैं ना जो रोड पे जा रहे हैं निकल रहे हैं, तो भाई उनको वॉशरूम वगैरह तो भाई बंदों को यूज़ करना ही होता है ना, तो इसका चक्कर उस चक्कर में लोग भाई इन रेस्ट एरियाज को यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट फंडेड होते हैं ये, जैसे हमारे इंडिया में ढाबे होते हैं ना वैसी गेम है। तो भाई यहाँ पे दिखाने के लायक तो कुछ है नहीं, वो छोटे छोटे पिकनिक टेबल्स लगा रखे हैं, फिर भी यहाँ से जाने पर भाई डर ही लग रहा है। वो बिच्छू बिच्छू घूम रहा हो, ध्यान से देख के चलेंगे। अजीब से पेड़ है यहाँ पे एरिजोना में ना, डेजर्ट है ना, देख लो क्या था भाई ये, भाई साहब इसे देख पैर में ना भाई फट गई है, भैन जो सांप आ गया।
ये भाई छाया के लिए इन्होंने बना रखा बढ़िया, बैठ के पिकनिक टाइप से ना खा पी लो। भाई ये व्यू है भाई रेस्ट एरिया से, फ्लैग नहीं लगा रखा है इन्होंने, नॉर्मली यहाँ पे अमेरिका का फ्लैग होता है। भाइयों अब चलते हैं ट्रक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो भाई आप बिना एसी के सर्वाइव ही नहीं कर सकते ना, जाके एसी में बैठो। सेम इंडिया जैसी गर्मी है, उतनी नहीं कहूँगा मैं, मतलब मिलती जुलती कह सकता हूँ। तो ये हमारा ट्रक है भाई, चलते हैं अंदर। भाई साहब ट्रक में आके पता लगा कि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों लग रही थी। ट्रक का जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो तो 44 डिग्री दिखा रहा है, पर जो एक्चुअल टेम्परेचर है 40 डिग्री भाई, 40 डिग्री। फील्स लाइक क्या है, फील्स लाइक भी 40 डिग्री। तो मानते हो ना इंडिया भाई, पूरा इंडिया एरिजोना डेजर्ट एरिया, पूरी गर्मी है यहाँ पे, कोई माहौल चाल ये नहीं है कि आप चिल मार लोगे। ओ भाई सो प्लान ये है भाई, 20-25 मिनट मारेंगे आराम, आलस खिला रहेंगे थोड़ी सी, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। 1 घंटा 10 मिनट की ड्राइव रह गई है, पर मेरे को डाउट यही है कि यार जहाँ पर हमने डिलीवरी करनी है ना एरिजोना, फीनिक्स एरिजोना, वहाँ पर यार पार्किंग नहीं मिलनी है हमें। तो इसी चक्कर में मेरा मन जो है ना डामाडोल हो रहा है कि यार यहीं सो जाऊँ, यहीं डन फॉर द डे कर दूँ। फिर वही है, मैं सोच रहा हूँ अभी, मन बना रहा हूँ, बताता हूँ आपको कोई ना, गिव मी फ्यू मिनट्स। अरे भाई ओ, कल रात को भाई इस रेस्ट एरिया पे रुके थे, जा रहा ना छूटता हुआ, कल रात को हम इस रेस्ट एरिया पे रुके थे, यहाँ पे प्रॉपर पार्क करके ना ट्रक को स्लीप ले ली। अब भाई सुबह के 8 बज चुके हैं और डिलीवरी करनी है, तो यहाँ से निकलेंगे और इस साइड पे हमने जाना है 40 से 45 मिनट। अरे गाइस एक स्किट दी, ड्रॉप कर दी है भाई और इसके पीछे स्टोरी ये थी भाई, ये है फीनिक्स एरिजोना, मेरे को जाना था सैन डिएगो कैलिफोर्निया ना, पर यहाँ पे मेरे को दो स्किट्स, दो पायलट इस लोकेशन पे ड्रॉप करने थे इनके पास, गोल्ड स्टार फ्रेट के पास। तो भाई तुम्हारे ने एक पायलट अनलोड किया और चलता बना देख लो भाई, भाग लो कहाँ तक भागोगे, एट द एंड ऑफ द डे है ना, फिर वापस आना पड़ेगा, वापस आके डिलीवरी करनी पड़ेगी। सब निकलते हैं भाई यहाँ से, ग्रीन लाइट हो जा, हो गई भाई, हो गए, चलो यहाँ से पूरा आगे तक जाएंगे, उसके बाद अपने ट्रक को ऐसे घुमा लेंगे। ये भाई बड़े शहरों में आकर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन देनी पड़ती है, क्योंकि भाई ड्राइवर ना बस आप समझ जाओ क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है, एक से बढ़ के एक है भाई। यहाँ पे होमलेस की काफ़ी प्रॉब्लम है फीनिक्स में, ये भी भाई होमलेस है, वो भी देख लो वहाँ पर बैठा हुआ है एक। तो ये भाई होमलेस की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, इवन विंटर में भी यहाँ पे स्नो नहीं पड़ती, ठंड नहीं पड़ती है ना, सो लोग जो होमलेस है ना उनके लिए रहने में या बाहर अगर सो भी रहे हैं खुले में है ना, तो भाई उनके लिए आसान हो जाता है, इसलिए कैलिफोर्निया हो गया, एरिजोना हो गया, काफ़ी होमलेस है भाई यहाँ पर ना। अब ये भाई ग्रीन लाइट हमें मिल गई है, बढ़िया बढ़िया ट्रक जा रहे हैं लेफ्ट से राइट से, यहाँ से हमने डीजल फिल कराना है। सो प्लान ये है कि इंडिकेटर दे देंगे और इस रेड लाइट से मार देंगे राइट, सब यहाँ पे देख लेंगे, वहां से कोई आ तो नहीं रहा, नहीं आ रहा भाई, अब निकाल देंगे अपने ट्रक को धीरे धीरे। It's really hot, man. It's fucking morning, already 40 degrees, right? What do you think about El Chapo? What do you think about him? I don't know. You respect man. Him? Huh? You respect him? I mean, I do. What he did, legacy, yeah. I do, I do. You know. Yeah. What? Limitless Indian. What is it? Limitless Indian. Limitless Indian? Yeah. I am Indian, right? That's why. You're Mexican? Yeah. I'm Indian. Oh yeah. Yeah, I'm from India. Okay.
But you don't look like you're from here. You're from Mexico, man. You look like you're born here. Here. No. But you look like you were born here. My English? Yeah. I went to school. You went to school here? I got you. That's why. Yeah. Hani bhaiyo, do shower available hain. एक हम जल्दी से बुक कर लेते हैं। लो जी, शावर हो रहा है हमारा बुक। चलो जी, $16 का शावर है, पर एज अ ट्रकर हमें कुछ नहीं पे करना। तो ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है भाई, स्टेप्स हैं इनके शावर के लिए। शावर हो गया रेडी, तो भाइयों निकलते हैं यहाँ से। तो इसको उतार लेते हैं नीचे, ट्रक को कर देते हैं लॉक। ट्रक हो गया हमारा लॉक। हमारा ट्रक स्टॉप देखो भाई, इस भाई ने बिना पार्किंग के लगा दिया है। ये सको ज़्यादा प्लेयर बनते होते हैं, ज्ञान बांटते हैं ज़्यादा कि भाई पार्किंग में लगाओ, खुद ही बाहर लगा के बैठा हुआ है। ये हमारे भाई, तो ये और हमारे काफ़ी सारे ट्रकर्स ट्रक लगा के बैठे हुए हैं भाई, यहाँ पे वेट कर रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं। और ये इनकी लव वालों की है रिपेयर शॉप। और अगर आपका भाई ट्रक रोड के बिल्कुल बीचों बीच ख़राब हो जाता है तो ये वैन भेज देते हैं, जिसके अंदर इन्होंने सब कुछ लगा रखा भाई, सारे तंत्र है ना, दिखाता हूँ आपको। से आगे से नॉर्मल गाड़ी है, ये पीछे से इन्होंने प्रॉपर शॉप बना रखी है भाई। देखो जो टायर्स हवा हुआ भरने की मशीनें है ना, सारा कुछ लगा रखा। देखो इनका दो अवेलेबल है इस टाइम, किसी का अगर ट्रक ख़राब हो जाएगा तो ये भेज देंगे भाई अपना किसी ना किसी मैकेनिक को, एक जाने को या दो जानों की टीम को। चाहे हमारा भाई कैसा भाई, ना तो क्या बात ही नहीं कर रहा, मैं आज ही शुरू आ गया। भाई ये भाई स्केल करवा रहा है और ये उसकी वेट कर रहा है और गुस्सा खा रहा है भाई साहब। पीटरबिल्ट देखते हुए चलेंगे भाई। ये देखो भाई ट्रक ऐसा लग रहा है शोरूम से अभी निकलवा के लाया भाई, है ना, बढ़िया लग रहा है ना, महंगी बातचीत। मैं ऑटोमेटिक चला के खुश हूँ भाई। चलते हैं भाई शावर की तरफ। हो रहा भाई हमारा शावर रेडी है, देख लें कौन सा नंबर का नंबर। ओ भाई साहब लॉन्ड्री मशीनें भी लगा रखी हैं, पूरी सुख सुविधा देते हैं ड्राइवर्स को है। तो हमारा शावर नंबर है 7, लास्ट वाला लग रहा है मेरे को बिल्कुल। हाँ वो बोला, तो कोड डाल देंगे 69565। ये हमारा शावर खुल गया। सो गाइस हमारा निंजा कुकर रेडी है, ठीक है। अब प्लान यही है भाई, इसके अंदर हम 4 अंडे बना लेते हैं बिल्कुल क्विक, जिससे भाई ना ज़्यादा टाइम ख़राब हो। थोड़ा सा लेंगे ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, एक चम्मच कहूँगा मैं, एक चम्मच वो लेंगे, साथ में लेंगे अंडे 4। और भाई उसके बाद इसी के अंदर हम डाल देंगे हमारा चिकन। हाँ जी गाइस अंडे हो चुके हैं रेडी, और भाई बिल्कुल सिंपल और सोबर हमने अंडे बनाए हैं। इसमें यहाँ सिर्फ अंडे, पार्सली और ये पेपर जैक चीज़ का टुकड़ा हमने इसके ऊपर रख के माइक्रोवेव कर लिया। और भाई इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा ये वाला मसाला, और हमारा जो ब्रेकफास्ट है ना, ब्रस्ट लगा लो जो मर्जी लगा लो, है ना। उसके अलावा इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं भाई चिकन नगेट्स, रेडी टू गो हैं भाई, इनको रख के अब कर देंगे ऑन, 400 पे कर देंगे। और 20 मिनट तक एयर फ्राई नहीं करेंगे, रैपिड कुक नहीं, एयर फ्राई करेंगे भाई इनको ना। ये चला गया भैया 400, और ये हो गया ऑन ना, 10-11 मिनट के अंदर भाई ये हो जाएंगे फिनिश, और तब तक हम इसे फिनिश करते हैं। सो गाइस ये हमारा फूड, टेस्ट चेक करते हैं भाई कैसा बना। बिल्कुल बेसिक फूड है ना आप। ब्लास्ट हो गया भाई, ना आपकी इतनी मेहनत लगे, 5 मिनट में तैयार, खाओ और चल पड़ो। सो गाइस नगेट्स आ चुके हैं, और भाई बढ़िया, इसके ऊपर भी यही मसाला छिड़क देते हैं थोड़ा सा। कहोगे हर एक चीज़ में भाई यही मसाला छिड़क देते हो आप, भाई बढ़िया है ना, एक आइटम से सारे काम डन हो जाते हैं। तो भाई
इनको करते हैं इंजॉय। आप बने रहो भाई के साथ।